तो आज है अपने पास एक ट्रू 4K HDR डुअल विजन डैश कैम जो कि आता है लेटेस्ट सोनी स्टारविश 2 IMX678 सेंसर के साथ। और ये डैश कैम आता है एक काफी रिनोन ब्रांड से विच इज 70mm, मॉडल इज A810। और इस डैश कैम में आपको फ्रंट के साथ एक रियर कैमरा भी देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई मैं इसको डुअल विजन डैश कैम बोल रहा था। एंड अगर आप इस डैश कैम की ऑनलाइन रेटिंग्स भी देखोगे तो वो भी काफी तगड़ी है, दैट्स व्हाई हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। तो इस डैश कैम की जो प्राइसिंग है वो अप्रोक्स 19-20,000 के आसपास रहती है, जिसका परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सवाल ये उठता है कि इस डैश कैम में ऐसा क्या है जो दूसरे डैश कैम में नहीं। तो सबसे पहली चीज, इस डैश कैम में आपको दूसरे डैश कैम्स की तरह 4K अपस्केलिंग देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे आपको ट्रू 4K एट 60Hz विद HDR मिलता है, जिसके साथ डे हो या फिर नाइट कंडीशन उसमें आपको एक्सट्रीम क्लियर विजन, शार्पर पिक्चर क्वालिटी एंड रिच कलर्स मिलते हैं। वहीं इसका जो रियर कैमरा है वो दूसरे डैश कैम्स की तरह स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पे आपको लेटेस्ट RC12 कैमरा मिल रहा है जो कि 1080p नेटिव रिजोल्यूशन के साथ HDR का सपोर्ट देता है। एंड एडिशनली यहाँ पे आपको नाइट आउल विजन देखने को मिलता है, जिसमें आपको रिच कलर्स, शार्पर पिक्चर क्वालिटी एंड क्लियर विजिबिलिटी मिलती है इवन इन डार्कर कंडीशन। बाकी इस डैश कैम में कुछ आपको एडवांस एंड लेटेस्ट फीचर्स मिलते हैं, लाइक AI मोशन डिटेक्शन, ADAS, बिल्ट इन GPS लॉगर, जिसके साथ आपका पूरा का पूरा ट्रिप का रूट और किस स्पीड पे आपने उस ट्रिप को कवर किया है, एंड बहुत सारी एडिशनल डिटेल्स जो कि एज ए एविडेंस भी काम आ सकती है, और अगर आप अपनी गाड़ी किसी को दे देते हो तो ट्रैकिंग के काम भी। देन यहाँ पे G सेंसर मिलता है विद इमरजेंसी एक्सीडेंट लॉक, और अगर आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है तो यहाँ पे स्मार्ट पार्किंग गार्जियन मोड, एंड एक फीचर जो आपको बहुत रेयरली देखने को मिलता है, स्मूदर कलर ट्रांजिशन फ्रॉम डार्क टू लाइट। फॉर एग्जांपल आप टनल में से निकल रहे हो, टनल के अंदर अंधेरा है लेकिन बाहर लाइट है, तो एकदम से एक्सपोजर कंट्रोल नहीं हो पाता, लेकिन ये डैश कैम उस एक्सपोजर को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। बाकी ये डैश कैम कर बहुत कुछ लेता है क्योंकि इसमें आते हैं बहुत तगड़े तगड़े फीचर जो की वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको कर लेते हैं अपनी गाड़ी में इंस्टॉल। इंस्टॉल करने से पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है इसका बॉक्स जो कि काफी प्रीमियम फील दे रहा है। बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले आपको मिलता है कुछ पेपर वर्क, एंड इसी एनवेलप में है दो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर फॉर फ्रंट एंड रियर डैश कैम। देन एक 12 वोल्ट वाला अडैप्टर मिलता है विद डुअल USB पोर्ट, जिसमें एक डैश कैम की केबल लग जाएगी और दूसरी आपके मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए। देन एक ट्रिम टूल मिलता है वायरिंग को गैप के अंदर छिपाने के लिए। उसके बाद एक फ्रंट डैश कैम के लिए माउंट जो कि स्ट्रॉन्ग एडहेसिव के साथ आता है। देन रियर कैमरा के लिए काफी लॉन्ग वायर जो कि काफी स्ट्रॉन्ग भी है। उसके बाद एक USB to USB Type C केबल जो कि फ्रंट डैश कैम को पावर देगी, और जो ये रियर डैश कैम वाली केबल है फ्रंट में आके अटैच होगी। उसके बाद ये रहा अपना रियर डैश कैम जो कि रोटेटिंग एडजस्टमेंट्स के साथ आता है, और इसकी क्वालिटी एंड फिनिश काफी तगड़ी है। और ये रहा अपना मेन डिवाइस जो कि फ्रंट डैश कैम है। इस स्टिकर को पील कर लेता हूं। वाओ, इसमें आपको 3 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा है, और यहाँ पे है 4 फिजिकल कीज। देन इसके राइट साइड पे आपको रियर कैमरा पोर्ट, USB Type C पोर्ट, और ये रहा इसका हाई स्पीड HD कार्ड स्लॉट। ये डैश कैम जितने भी HD कार्ड्स को सपोर्ट करता है वो सारे के सारे आपकी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहे होंगे। और ये डैश कैम अप टू 256GB का HD कार्ड सपोर्ट कर लेता है, विच इज मोर देन इनफ लंबी टाइम के फुटेज को स्टोर करने के लिए। बाकी जो फ्रंट डैश कैम का कैमरा है ये भी रोटेटरी एडजस्टमेंट के साथ आता है, एंड इसकी कवरेज भी काफी वाइड है, विच इज 150 डिग्री। एंड 150 डिग्री का एक फायदा और है कि जब आप इसका ADAS फीचर यूज करोगे वो काफी एक्यूरेटली काम करेगा। लेन डिपार्चर, कॉशन फ्रंट कार, अटेंशन टू राइडर्स। एक बार इसको फटाफट इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद इसके फीचर्स में थोड़ा डीप डाइव करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रंट विंडशील्ड वाला स्टिकर है इसको लगा लेते हैं। सिंपली इसको कुछ इस तरीके से पील करना है, विंडशील्ड पे प्लेस करना है। देन जो फ्रंट डैश कैम का माउंट है इसको अपने डैश कैम पे लगा लेना है। अब इसको मैंने पहले इसलिए लगाया जिससे हम पोजिशनिंग अपने हिसाब से परफेक्टली सेट कर पाए, अदरवाइज कर ऐसे भी सकते थे कि माउंटिंग को पहले लगा लो और फिर उसमें डैश कैम लगा दो, बट ये थोड़ा सेफ मेथड है। माउंट के एडहेसिव के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है, इसको हटाना है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर के अंदर मार्किंग है इस पे इस माउंट को प्लेस कर देना है, सेंटर में लाए, और ये हो गया अपना डैश कैम माउंट। रियर वाले स्टिकर से फिल्म को पील करना है, स्टिकर को प्लेस करके चिपका देना। देन रियर कैमरा के एडहेसिव के ऊपर है स्टिकर, इसको पील कर लेना है। स्टिकर के जो ऊपर मार्किंग है अगेन उसी तरीके से यहाँ पे रख के इसको चिपका देना। अब जो रियर कैमरा वाली एक्सटेंशन वायर है इसको कनेक्ट कर लेना है। देन ट्रिम टूल की हेल्प से जो सीलिंग रबर या फिर गैप्स है उसके अंदर इस वायर को हाइड कर देना है। अंदर चलो, ट्रिम टूल की हेल्प से जो वायर है ना वो इजीली इस गैप के अंदर चली जाती है, और कई बार ट्रिम टूल की जरूरत भी नहीं पड़ती, उंगली काम कर देती है, सॉफ्ट है ना ये। अब रियर कैमरा की काफी सारी वायर बच गई है लेकिन यहाँ पे गैप कम है, तो सबसे पहले ये कैमरा को कनेक्ट कर लो, साथ के साथ इसकी टाइप सी वाली पावर केबल को इसमें कनेक्ट कर लेना है, दूसरे एंड को इसके अडेप्टर में लगाना है। देन गाड़ी के 12 वोल्ट वाले पोर्ट में इसको इंसर्ट कर देना। और अगर आप पार्किंग मॉनिटरिंग वाला फीचर यूज करना चाहते हो तो 70mm की एक हार्डवायर किट आती है, वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। मेरी गाड़ी में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसी को कनेक्ट करूंगा, लेकिन अगर आपको पार्किंग मॉनिटरिंग वाला फीचर नहीं चाहिए तो बॉक्स के अंदर जो किट आ रही है
ही काम कर जाएगी। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा बची हुई वायर है इसको ट्रिम टूल की हेल्प से गैप के अंदर घुसेड़ देना है। घुसेड़ देना इज वेरी अनप्रोफेशनल, अंदर कर देना है बस। एंड जो बची हुई वायर है इसको पिलर के अंदर इंसर्ट कर देना है। और बाकी अगर आपका एयरबैग्स को लेके कोई डाउट है तो इस हार्ड वायरिंग किट या फिर नॉर्मल वायरिंग भी अगर आप करते हो तो इससे एयरबैग्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, उनकी फंक्शनैलिटी प्रॉपर काम करती है। सबसे पहले जो अपना फ्रंट कैमरा है वो अभी सही पोजीशनिंग पे नहीं है, तो आप इसको रोटेट करके सही पोजीशनिंग दे सकते हो। नाइस। तो राइट नाउ ये 150 डिग्री की कवरेज दे रहा है। एंड डैश कैम की एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो की है इसको प्रेस करने पे रियर कैमरा पे शिफ्ट हो जाता है। एंड रियर कैमरा की क्वालिटी भी काफी तगड़ी है। उसके बाद जो नेक्स्ट की है ये है इमरजेंसी रिकॉर्डिंग की। तो जैसे ही आप इस की को प्रेस करोगे यहाँ पे रिकॉर्डिंग इमरजेंसी वीडियो का प्रॉम्प्ट आएगा। एंड देन आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके ही पीछे हटेगा। उसके बाद यहाँ पे इमेज आइकन आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी फोटोज एंड वीडियोस सारी की सारी एक्सेस कर पाओगे, जिसमें ऑल वीडियोस एंड इमरजेंसी वीडियो। तो अभी हमने इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्ड की है, जैसे ही आप इसमें अंदर जाओगे यहाँ पे आपको इमरजेंसी वीडियो मिल जाएगी। एंड यार इस डैश कैम में इनबिल्ट माइक एंड स्पीकर दोनों है, तो ये आपके कैबिन की सारी ऑडियो को रिकॉर्ड भी करेगा, और अगर आप उन फाइल्स को इस पे प्ले करते हो तो आपको ऑडियो भी सुनाई देगी। ये सही है। देन स्क्रीन पे सारी की सारी डिटेल आ जाती है, लाइक 70 माई डैश कैम से रिकॉर्ड हुई है इस डेट इस टाइम पे, इतनी स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही थी, और ये रही GPS से गाड़ी की पोजीशनिंग। देन ऑल वीडियो के अंदर जाके आप सारी की सारी वीडियोस जो अभी तक इसके अंदर रिकॉर्ड हुई है वो सारी एक्सेस कर सकते हो। जब हमने डैश कैम इंस्टॉल किया वो भी सारी की सारी फुटेज इसके अंदर रिकॉर्ड हो गई, और हर फुटेज एक एक मिनट की है, यानी कि ढूंढना भी आसान है। और प्ले करने के बाद आप इसको 1x 2x 4x 8x देन 1x, तो 8x स्पीड तक रन कर सकते हो। बाकी यहाँ से आप डिलीट कर पाओगे, सिंपली बटन प्रेस किया और ये हो गई आपकी वीडियो डिलीट। इसके बाद नेक्स्ट विंडो पे आपको पार्किंग सर्विलेंस वाली एल्बम मिल जाएगी, तो पार्किंग सर्विलेंस का भी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। देन आप टाइम लैप्स वीडियोस में जा सकते हो, तो यहाँ पे भी कोई वीडियो नहीं है। अब टाइम लैप्स वाला फीचर इसमें इसलिए दिया है क्योंकि 8 मेगापिक्सल का ट्रू 4K 60 हर्ट्ज वाला कैमरा है, HDR भी सपोर्ट करता है, तो आप इससे व्लॉगिंग भी कर सकते हो और वो व्लॉग्स आप टाइम लैप्स में इस पे देख सकते हो। देन नेक्स्ट विंडो में आपको फोटो वाला सेक्शन मिल जाता है, तो अभी हमने कोई फोटो भी इससे क्लिक नहीं की। इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट की है ये है इसकी सेटिंग्स की। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आपको वीडियो सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन देख लेते हैं, तो 1 मिनट हमने सेट किया हुआ है। 1 मिनट बेस्ट है क्योंकि आपको इंसिडेंट्स का पता रहता है कि कौन सी क्लिप आपने देखनी है, इन तीनों में से सेलेक्ट कर सकते हो। वीडियो स्टोरेज की बात करें तो हाई कंप्रेशन रेशियो या लो कंप्रेशन रेशियो, इन दोनों में से आप सिलेक्शन ले सकते हो। हम हाई कंप्रेशन ले रहे हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा फुटेज आ जाती है। देन वीडियो रिजोल्यूशन में चले तो यहाँ पे 4K सेलेक्ट किया हुआ है। HDR अभी ऑन है, आप ऑफ भी कर सकते हो। रिफ्रेश रेट हमने NTSC 60Hz सेलेक्ट किया हुआ है। स्क्रीन के लिए स्पीड का सिलेक्शन ऑन है, जिससे पता चलता रहे कि गाड़ी कितनी स्पीड पे मूव हो रही है। और ये रही GPS लोगर के साथ लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाली डिटेल्स। देन 70 माई का लोगो, ऑब्वियसली ये तो चाहिए ही, एविडेंस में काम आएगा। देन इसके बाद एक्सटेंडेड कैम मिररिंग एंड फ्लिपिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं दोनों ऑन कर दे रहा हूँ। और यही है वीडियो से रिलेटेड सेटिंग्स। इसके बाद अगर सिस्टम सेटिंग में चले तो वाईफाई हॉटस्पॉट दिया हुआ है, अगर आप इसको ऑन कर देते हो देन वाईफाई का हॉटस्पॉट नेम और पासवर्ड आ गया। और ये इसलिए आया क्योंकि इसका एक डेडिकेटेड ऐप है 70 माई के नाम से। तो ऐप को ओपन करते हैं, गूगल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट के साथ आप इसको साइन अप कर सकते हो। तो अकाउंट लॉगिन होने के बाद यहाँ पे नो डिवाइस शो कर रहा है, डिवाइस को ऐड कर लेते हैं। तो अपने वाला डिवाइस डैश कैम विद स्क्रीन है। अभी इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन कर लो, और हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है। तो सिंपली आपने कनेक्टिंग टू डैश कैम हॉटस्पॉट पे टैप करना है, लोकेशन अलाउ करनी है, वाईफाई ऑन करना है। 70 माई का डैश कैम यहाँ पे दिखा, 1 से लेके 8 तक पूरा का पूरा पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाला, कनेक्ट किया। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, लेकिन हम प्रेस करेंगे नेक्स्ट और इसने डैश कैम की सर्चिंग शुरू कर दी। यहाँ पे आ गया मेरा डिवाइस, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऑथराइजेशन चल रही है। और ऑथराइजेशन को कंफर्म करने के लिए आपको अपने डैश कैम पे ओके करना होगा। तो जो डैश कैम है वो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड आई एम प्रेसिंग द कनेक्टिंग टू द डैश कैम हॉटस्पॉट, वाईफाई अगेन ऑन किया। एंड कनेक्ट करते वक्त एक चीज ध्यान रखना कि शुरू में एक बार ऑथराइजेशन के लिए जब ये कनेक्ट हो जाएगा अपना वाईफाई ऑफ कर देना, अदरवाइज बार बार ये शो करेगा कि इंटरनेट नहीं है और ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है या फिर ऑथराइजेशन फेल हो रही है। मेरे साथ भी अभी यही हुआ था, फिर मैंने वाईफाई ऑफ किया, इंटरनेट कनेक्ट हुआ, तब ऑथराइजेशन हुई है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली अपना जो डैश कैम है मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है। और डैश कैम पे भी ये चीज प्रॉम्प्ट हो रही है कि मोबाइल फोन का जो ऐप है वो कनेक्टेड है, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू। तो अपने फोन की स्क्रीन पे अब लाइव व्यू आ रहा है, यहाँ पे मैं फोटो भी क्लिक कर सकता हूँ, टेकिंग फोटो, और अगर मैं कैमरा फ्लिप करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो मेरा जो रियर कैमरा है वो अभी उल्टा दिखाई दे रहा है, ऐसे सही है, हेड उल्टे हो गए थे, तो इसको कैमरा फ्लिपिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद ऐप के UI पे कुछ चीजें आपको दिख जाएगी, लाइक आप माइक ऑन ऑफ कर सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो, कैमरा स्विच कर सकते हो, एल्बम एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आपके सामने एक प्रॉम्प्ट आएगा कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो इस टाइम बंद हो जाएगी। देन सेटिंग के अंदर आपको सारी वही सेटिंग मिल जाएंगी जो आपके डैश कैम में मिल रही है, लाइक वीडियो सेटिंग्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और मिररिंग एंड रोटेशन यहाँ से आप
ऑन ऑफ कर सकते हो। तो रियर कैमरा को मैं 180 डिग्री रोटेट कर देता हूँ, क्योंकि रियर कैमरा में पहले सब उल्टा दिख रहा था, अब देखो सीधा दिख रहा है। इसके बाद पार्किंग सिक्योरिटी में आपको कोलिजन डिटेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि इस डैश कैम में आपको जी सेंसर मिलता है। एंड जैसे इस फीचर के आप अंदर जाओगे यहाँ पे आपको शो करेगा अगर गाड़ी बंप होती है सडनली तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो मैंने इसको ऑन कर दिया है, सेंसिटिविटी मैंने यहाँ पे हाई रखी है, कोलिजन रेस्पॉन्स स्ट्रेटेजी को मैंने 5 मिनट के लिए पोस्टपोन रखा है। उसके बाद इमरजेंसी वीडियो की हमने सेंसिटिविटी हाई रखी है। अब इमरजेंसी वीडियो का मतलब यह है कि जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और गलती से कहीं हीट हो जाती है, कोई आगे आपको ठोक देता है, तो इमरजेंसी वीडियो वाला जो फीचर है जी सेंसर बेस्ड है, यानी कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो कोई गलती से आके आपको ठोक देता है या आपकी गाड़ी गलती से किसी से टकरा जाती है तो वो पर्टिकुलर वीडियो उस टाइम की ये अपने एक इमरजेंसी फोल्डर में स्टोर करके रख लेता है, जो कि कभी डिलीट नहीं होता जब तक आप डिलीट नहीं करोगे और आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट फीचर है ADAS, तो ADAS मैंने ऑफ किया हुआ है लेकिन मैं ऑन कर लेता हूँ। तो अभी ये लेंस को हॉरिजॉन्टली कैलिब्रेट कर रहा है, अब वर्टिकली कैलिब्रेट करेगा और अपना जो ADAS है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ADAS वार्निंग यहाँ पे आप सारी की सारी ऑन ऑफ कर सकते हो, लाइक फॉरवर्ड कोलिजन अलर्ट, लेन डिपार्चर अलर्ट, फ्रंट व्हीकल स्टार्ट अलर्ट, पेडिस्ट्रियन कोलिजन वार्निंग, राइडर कोलिजन वार्निंग, तो ये सभी की सभी ऑन है तभी ADAS का यूज है। उसके बाद लेंस पोजिशनिंग कैलिब्रेशन अगर आपको अगेन करनी है तो कर सकते हो, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बैक पे चले जाते हैं। देन साउंड सेटिंग, पावर ऑन ऑफ की अगर आप यहाँ पे साउंड ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो। स्पीकर की वॉल्यूम मीडियम पे मैं हाई कर देता हूँ, की टोन अभी ऑफ है। ऑडियो रिकॉर्डिंग यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, बाहर से भी हो जाती है। और ये रही कुछ सिस्टम सेटिंग, लाइक लैंग्वेज इंग्लिश रखी है, स्क्रीन ऑन टाइम ऑलवेज ऑन रखा है, ऑफ आफ्टर स्टॉप 20 मिनट बाद। हॉटस्पॉट की सेटिंग भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, डेट टाइम स्पीड यूनिट किलोमीटर पर आर ही चलता है इंडिया में। पोजिशनिंग स्टेटस GPS से कनेक्टिविटी यहाँ पे शो कर रहा है, GPS अपना वर्किंग है। डिवाइस का डेटा लाइक सिंक्रोनाइज्ड ड्राइविंग रूट डेटा, तो वो ऑन कर लेते हैं। एंड देन मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करना, फैक्ट्री सेट, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ऐप के अंदर इतना ही है, और ये इतना नहीं है, सब कुछ ही। अगर आप पूरे डैश कैम को कंट्रोल करना चाहो तो ऐप के साथ कर सकते हो। तो सबसे पहले सिस्टम सेटिंग में चलते हैं। तो सिस्टम सेटिंग में मैंने वाईफाई हॉटस्पॉट के बाद ऐप बता दिया, इसके बाद यहाँ पे पावर ऑन वाईफाई सेटिंग में ये आपको शो करेगा कि जैसे डिवाइस को आप टर्न ऑन करोगे ये वाईफाई ऑन कर देगा। स्क्रीन ऑफ टाइम ऑलवेज ऑन रखा है, वही जो मोबाइल के अंदर आपको सारे फीचर्स दिख रहे थे। ऑटो वैन स्टॉप्ड आफ्टर 20 मिनट, इस सारी वही सेटिंग्स है जो आपको ऐप के अंदर देखने को मिल रही थी। इसके बाद सेटिंग में आपको एक फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा, पार्किंग सिक्योरिटी, ये वही सारी की सारी चीजें हैं जो मैं आपको ऐप में दिखा के लाया हूं। बाकी आप मैनुअली डैश कैम पे भी ये चीजें सेट कर सकते हो। स्मार्ट ट्रेवल में आपको ADAS एंड इमरजेंसी वीडियो मिल जाएगी। ऐप इसका 70 MB है, QR कोड स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से सिस्टम अपडेट हो जाएगा, फैक्ट्री सेट एंड अबाउट में जाओगे तो इसकी डिटेल्स आ जाएगी। तो अभी ये ADAS को कैलिब्रेट कर रहा है। तो अगर डे एंड नाइट दोनों ही पिक्चर क्वालिटी की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट कैमरा यहाँ पे ट्रू 4K 60Hz HDR मिल रहा है, और यार पिक्चर क्वालिटी में जो शार्पनेस है ना, चाहे वो डे में हो या नाइट में, आपको डिटेल्स एकदम क्लियर दिखती है, नंबर प्लेट्स हो, क्योंकि मेनली तो आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर ही चाहिए अगर आप किसी एविडेंस में इसको यूज करते हो या इमरजेंसी में। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एज ए व्लॉगिंग कैमरा भी काम करता है, क्योंकि इतना वाइड लेके चलता है ना ये, मजा ही आ जाता है। इसके बाद अगर रियर कैमरा पे आए तो वहां पे भी 1080p के साथ HDR मिलता है और 70 MB का नाइट आउल विजन, जिसके साथ डार्क कंडीशन में भी जो रजिस्ट्रेशन प्लेट्स है वो क्लियरली विजिबल होती है, और जो सराउंडिंग की विजिबिलिटी है वो भी एकदम मस्त आती है। एंड इस स्क्रीन में आपको डे एंड नाइट दोनों फ्रंट एंड रियर कैमरा की फुटेज दिख रही होगी। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी शार्प क्लैरिटी के साथ ये पिक्चर डिलीवर करते हैं। एंड एडिशनली आपको डैश कैम का लोगो, डेट, टाइम, स्पीड और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की डिटेल्स एक प्रॉपर एविडेंस की तरह काम करती है। बाकी जो ADAS है, अगर आपको ADAS के बारे में नहीं पता है, नई गाड़ियों में तो ज्यादातर ये आ रहा है लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें ADAS देखने को नहीं मिलता, विच इज एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, जिसमें आपको लेन डिपार्चर अलर्ट, मूविंग ट्रैफिक अलर्ट, फ्रंट कार अलर्ट और राइडर एंड पेडेस्ट्रियन अलर्ट भी देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से जो ड्राइविंग है वो काफी इजी और एक्सीडेंट फ्री हो जाती है। मतलब अगर आप नए हो तो ADAS बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर मैं आपको एक ओवरऑल समरी दूं तो ये पावर पैक डैश कैम है जो कि बेस्ट क्वालिटी एंड एक्यूरेसी के साथ आपको फुटेज देता है। देन ADAS का फीचर मुझे इसमें काफी यूजफुल लगा, और अगर आप मीडिया को एक्सेस करना चाहते हो तो माइक भी है रिकॉर्ड करने के लिए, और स्पीकर है उस मीडिया की आउटपुट देने के लिए। एंड मार्क माई वर्ड, इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना वो काफी तगड़ी है, एंड जो इसकी प्राइसिंग आप पे करते हो उसके हिसाब से वर्थ है। तो 70 MY A810 डुअल विजन डैश कैम का जो परचेज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम एंड फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक। और जो 70 MY का ऑफिशियल ऐप है ये iOS एंड Android दोनों के लिए अवेलेबल है।